हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं लेख रहा हूँ आप सभी लोग का अपनी स्पीसी बाय यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से या फिर कीबोर्ड के माध्यम से हम अपने जो इंटरनल ओपन MS एक्सप्लोरर समझ रहे हैं, अपने जितने भी मेमोरी है इसमें या फिर जो ड्राइव होता है लेवल होता है उसको डायरेक्टली कीबोर्ड के माध्यम से शॉर्टकट की के माध्यम से कैसे ओपन करें। क्या आप लोग जानते हैं कि कैसे ओपन करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं जानते, जो न्यू है वो तो नहीं जानते, लेकिन जिनको कंप्यूटर का कुछ कुछ नॉलेज है उन लोग जान पाएंगे। तो इसी दिक्कत समस्या को दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ और बने रही हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं दोस्त कि वो शॉर्टकट की कौन सा है, क्या है, कौन कौन से की का यूज़ करके हम लोग अपना एक्सप्लोरर ओपन MS एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रेस करता हूँ या फिर हम लोग जनरली प्रेस करते हैं, जाते हैं माई कंप्यूटर में और ओपन कर लेते हैं अपना ड्राइव जो होता है हार्ड डिस्क उसको, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट बटन में क्लिक करके कंप्यूटर से भी जाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं आज एक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग डायरेक्टली कीबोर्ड के माध्यम से सीधा मॉनिटर में है और कीबोर्ड के माध्यम से मैं प्रेस करता हूँ विंडो की या फिर विन की प्लस की। देखिए दोस्तों, जैसे मैं विन की और प्लस की करता हूँ तो हमारे साथ ये एक्सप्लोरर खुल के आ जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।